तो जैसे कि आप लोग देखते हैं हलीम कॉलेज में जो है तरावी की शुरुआत जो है वो हो गई है और यहाँ पे पंडाल लगना शुरू हो गए हैं। उधर देखेंगे आप तो दरी वगैरह रखी हैं, इधर जो है लाइटें वगैरह भी लग गई हैं और ये अपना सामान आ गया है सफाई करने के लिए। तो बाकी यहाँ पर जो है जो ये देख रेख पूरी कर रहे हैं, यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो अभी उनसे बात कराएंगे आपकी और बताएंगे कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे क्या तरावी होती है, कितने दिन की तरावी होती है, ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है मिराज भाई जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, पूरा इनके हाथ में है, इनको तैयारी करवानी है। हमारे शकील कुरैशी साहब, अच्छा, जो इसके तहरीक जमात के चेयरमैन है, ओके, उनके ही और पूरी कमेटी है, ओके, ये शकील कुरैशी एडवोकेट, जी जी जानता हूँ, चेयरमैन है, ओके, सभी लोग इसमें भागीदारी है, okay. सभी लोग इसमें इंतजाम दे रहे हैं। मौके की बात है, जो काम हम अंजाम दे रहे हैं आप आ गए, हाँ। तो इसलिए हम हो गए, ये कहना गलत है कि हम ही देख रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि इस समय आप ही देख रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं, इस समय ये चीज है, इस समय, लेकिन इसमें कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, काफी है, पूरी एक कमेटी है हमारे, इसमें शकील कुरैशी साहब है और कई लोग हैं। अच्छा जी, आप बताइए, तो ये जो है कितने दिन की तरावी होगी यहाँ पे? ये 6 रमजान मुबारक को खत्म होगी, यानी 7 दिन की होगी, 7 दिन की है, और ये 26 साल से मुस्तकिल, हाँ। बराबर हर साल अल्लाह का शुक्र से बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ अदा की जाती है। इसमें आपके पूरे कानपुर के, चाहे आपका जाजमऊ हो, किदवई नगर हो, बाबूपुरवा हो, सिविल लाइन हो, या रावतपुर हो, तमाम जगह से यहाँ पर लोग तरावी पढ़ने के लिए आते हैं। जी, तो बढ़िया है, मैंने आप सबको बस बता दिया, क्योंकि ये देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज अगर चांद होता है, यानी कि आज है 11 मार्च, तो तरावी आज से शुरू हो जाएगी। अगर कल चांद होगा तो 12 कल से तरावी शुरू हो जाएगी। जी, टाइमिंग हमारी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग टाइम से आए और रोड पर जी बिल्कुल ना बिछाने के वो करें, क्योंकि सारा इंतजाम जी हलीम मुस्लिम ग्राउंड में पूरा तरावी का इंतजाम ग्राउंड के अंदर है जी। तो लिहाजा आप लोग से हमारी अपील है कि रोड पर भी कोई भी नमाज तरावी के लिए ना बैठे और अंदर पूरा जगह बोले, और ये सुन्नत तरीका है कि पहले हम आगे की सफ़े पूरी करें, तब हमारी पीछे की जमात होगी, वरना हम आगे की सफ़े नहीं पूरी करते, पीछे हम बीत जाते हैं टुकड़ों में, तो वो आपकी तरावी नमाज नहीं होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इतना बड़ा ये ग्राउंड है, इतना बड़ा, तो पूरे ग्राउंड में आपका बिछाया जाएगा यहाँ पे दरी वगैरह, आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर पढ़ने की रोड पर। और सफाई का काम भी आप देख रहे हैं कि चालू हो चुका है, क्योंकि भाई जान ये करवा रहे हैं। तो बाकी आपसे जो है हम मिलेंगे आगे, अब तो अगर आज चांद हो जाता है तो चांद रात की मुबारकबाद देंगे आपको, फिर आगे मिलेंगे आपसे। बस ये मुझे दिखाना था आपको हलीम कॉलेज में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या ग्राउंड में कैसा क्या चल रहा है। तो बाकी आगे देखते हैं हम और क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चांद रात हो गई है और रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू हो गया है। ये देखिए चांद यहीं कहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग। और इससे पहले की जो वीडियो है मैंने डाली थी, वो थी तरावी की, तरावी जो हो रही है ना वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं हलीम कॉलेज में, तो उसकी डिटेल मैंने डाल दी थी। तो अब मैंने ये क्लिप ली है यहाँ पे, चांद जो है दिख रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे दिखता है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, चारों तरफ रमज़ान की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये देखिए पटाखे हर तरफ, पटाखे ही पटाखे, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, मतलब महीना भी शुरू हुआ है और रौनकें चालू हो गई हैं। ये देखिए बेगनगंज में देख रहे हैं क्या हाल है, अभी से नीचे शोर मचना चालू हो गया। चांद जो है मैं आपको कैसे दिखाऊं, इसमें अगर आप जूम करता हूं मैं, अगर आपको दिख जाए तो देख लो आप लोग, इसी में कहीं है ये रहा, ये उंगली से दिखाता हूं मैं, ये रहा, ये रहा, मैंने तो दिखा दिया भाई आपको, दिखा दिया, अभी आप लोग देखो ये देखो। रमज़ान आप सबको एक बार फिर से बहुत 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 मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी बस शुरू हुआ है और मज़ा शुरू हो चुका है। तो पहला रोज़ा जो है वो शुरू हो चुका है माशाल्लाह, जा रहे हैं तरावी के लिए। तरावी के लिए इस बार जा रहे हैं हम हलीम कॉलेज, क्योंकि पिछली बार जो है तरावी हुई थी हमारे घर के बगल में बिलाल के, आपने देखा होगा, लेकिन इस साल हो नहीं रही है क्योंकि उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो इस साल मैं जा रहा हूँ हलीम कॉलेज, तो चलते हैं तरावी में आपसे मिलते हैं, और बाकी बीच रास्ते में आपको रौनकें जो है वो कानपुर की दिखाते हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। चलिए, तो यहाँ पर भी तरावी हो रही है जो कि है एहसान हॉल। आगे हम तो हलीम कॉलेज जा रहे हैं, तो हमको हलीम कॉलेज जाना है, चलिए चलते हैं। हलीम की तरावी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, भीड़ देखिए आप लोग माशाल्लाह।
देखिए ये यहाँ पर हम ये देखिए ये दाएं बाएं जाने आगे जो है बहुत हाँ 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 वही वाला बहुत भीड़ है माशाल्लाह। ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا آپ یہ آپ کے گھر والے مصیبت میں तो अभी बज रहे हैं रात के 11:40 और पहले दिन की तरावी जो थी मुकम्मल हो गई माशाल्लाह हलीम कॉलेज में। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हमको हो गए हैं यहाँ खड़े हुए, तरावी ख़त्म हुए हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 और हम अभी तक यहीं खड़े हैं क्योंकि इतनी भीड़ है रास्ते में कि आप जा ही नहीं सकते बाहर। तो इस चक्कर में हम वेट कर रहे हैं कि जब भीड़ थोड़ी कम हो फिर बाहर निकलते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि किस तरह का नज़ारा था, क्या माहौल था यहाँ पर तरावी का, बहुत मज़ा आया। अब कल जो है आएँगे जब दूसरे दिन की तरावी होगी तो भी आपको दिखाएंगे। अभी अभी तरावी छोटी है, भीड़ देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा। बिरयानी की दुकान वाले के हाथ नहीं रुक रहे हैं, देख लो भाई क्या हाल है, खतरनाक बिरयानी बेच रहा है वो, 2000 किलो बिरयानी बेच देगा आज ये। तो अभी पहली सहरी के लिए ब्रेड वगैरह लेना है, मक्खन है ना आपके पास, दे दिए हाँ दे दो, बाकी ब्रेड दे दो सबसे बेस्ट जो अच्छी हो सबसे, और देखते हैं क्या ले सकते हैं, कॉफ़ी के पाउच वगैरह ले लेंगे वो भी काम आएंगे। तो बस शहरी के लिए लेते हैं थोड़ा सामान फिर घर चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी खाना नहीं खाया, रात के 12 बज रहे हैं, पहली तरावी में बहुत लेट हो जाता है, हलीम कॉलेज में टाइम बहुत लगता है, क्या करें। अपनी पुरानी सूट पहनने की दुकान, लेकिन दिन का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 4:16, बेगनगंज रोड देख लीजिए आप लोग, सफाई हो रही है और पहली सहरी जो है वो होने जा रही है। सब तरफ अनाउंसमेंट हो रही है कि सहरी जो है वो यहाँ तो अंधेरा है, 5 सहरी ख़त्म होगी सुबह, अभी 4:16 हो रहा है, 5 सहरी ख़त्म होगी। चलिए चलते हैं, सहरी करते हैं हल्की फुल्की, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। चलिए तो सहरी में खाएंगे हम ब्रेड मक्खन पराठे मलाई, पानी तो बहुत ज़रूरी है और अंडे उसके साथ कीमा सब ये है। पहला रोज़ा उदयपा 2024 का तैयार हो उसके लिए हैं चलो बाकी रोमिल में कल आ जाएंगी, उनके एग्ज़ाम है। तो चलिए सहरी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं मस्जिद में। तो पहला रोज़ा होता है मुकम्मल और इसी के साथ मेरा पहले रोज़े का व्लॉग है वो भी मुकम्मल होता है। हाँ मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि पहला रोज़ा था ना तो एकदम से जब चेंज होता है स्केड्यूल तो थोड़ा सा उसको पटरी पर आने में टाइम लगता है। तो कल से नमाज वगैरह जो जाता हूँ वो सब भी दिखाऊँगा आपको, फजर का भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। पहला जो रोज़ा था उसका मैं यहीं पे मुकम्मल कर रहा हूँ, व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे कौन नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मिस बाली एंटरटेनमेंट।